गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जो लास्ट वीडियो थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज़ द सीएसएस होता क्या है, राइट। और आपने उसमें चेक भी किया था, मैंने बताया था हाउ टू राइट द स्टाइल रूल, के स्टाइल रूल को लिखते कैसे हैं, सीएसएस को लिखते क्या थे, आपको पूरा एक्सप्लेन किया था कि सिलेक्टर होता है, प्रॉपर्टी टाइप होता है, वैल्यू होता है। अब क्वेश्चन आता है वेयर डू आई पुट माई स्टाइल रूल्स, कि स्टाइल रूल्स कहाँ लिखे जाते हैं। ये जो स्टाइल रूल्स होते हैं बेसिकली हम थ्री टाइप से कवर करते हैं। एक इनलाइन होता है, इंटरनल स्टाइल शीट होती है, और एक्सटर्नल, और इन तीनों में डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस जो है वो प्रैक्टिकल, जब मैं प्रैक्टिकल आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगी तो साथ साथ आपको डिफरेंस क्लियर करूंगी कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। अब आप HTML की एक भी वीडियो बीच में नहीं छोड़ सकते, आपको डेली देखना ही पड़ेगा, बिकॉज ये CSS स्टार्ट हो गया है, और विदाउट CSS आप एक बेस्ट वेबसाइट कभी डिज़ाइन नहीं कर सकते। होपफुली आई होप कि आप इन वीडियोज़ को देखेंगे। HTML में जो इनलाइन होता है, इनलाइन का मतलब जो होता है आप पर्टिकुलर किसी एलिमेंट्स पर ये जो स्टाइल है वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। जैसे इनलाइन में है आपने हेड टाइटल, ये तो आपको पता ही है, पहले HTML लिखते हैं, हेड लिखते हैं, फिर हमारा टाइटल आता है। जैसे बॉडी है, बॉडी के अंदर हम पैराग्राफ लिखते हैं ना, अब इस पर्टिकुलर पैराग्राफ पर मुझे कोई स्टाइल अप्लाई करना है, पूरे वेब पेज पर नहीं, पर्टिकुलर पैराग्राफ या पर्टिकुलर हेडिंग पर आपको कोई स्टाइल अप्लाई करना है, तब हम यूज़ करते हैं इनलाइंड। क्लियर, मैंने बोला है कि पूरा वेब पेज नहीं, जस्ट पर्टिकुलर। आप तीनों भी एक साथ यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि तीनों स्टाइल आप एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन जब भी हमारा स्टार्टिंग है, बेसिक्स है, तो हम वन बाय वन इसको लर्न करेंगे कि पहले इनलाइन क्या होता है, राइट। इनलाइन मींस पर्टिकुलर लाइन पर, पर्टिकुलर लाइन मींस पर्टिकुलर एलिमेंट पर, आपने हेडिंग पर लगाना है, पैराग्राफ पर लगाना है, कहाँ लगाना है, तो ये इनलाइन है। इनलाइन पर यहाँ पर देखिए इसने लगाया हुआ है पैराग्राफ पर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, बॉडी पैराग्राफ कहाँ होता है, बॉडी के अंदर होता है। इसकी जो कमांड है वो जस्ट इतनी है, आपको स्टाइल लिखना है, स्टाइल के बाद आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या चाहिए, आपको सेंटर चाहिए, आपको लेफ्ट चाहिए, राइट चाहिए। फॉन्ट वेट का मतलब क्या होता है, फॉन्ट वेट का मतलब होता है कि आपका जो फॉन्ट है वो बोल्ड आएगा, इटैलिक आएगा, अंडरलाइन आएगा, कैसा आएगा। कलर मीन्स यहाँ पर आपने रेड देना है, येलो देना है। तो जो इंटरनल वाला है उसका एक बार प्रैक्टिकल कर लेते हैं कि इंटरनल में कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक नोट पैड ओपन करना होगा, क्योंकि हम बेसिकली नोट पैड में ही कोडिंग कर रहे हैं, राइट। आपने एक नोट पैड ओपन कर लिया, अब ये जब आप नोट पैड ओपन करते हैं, क्लियर, नोट पैड में सबसे पहले क्या लिखते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, डॉक टाइप। तो सेम वैसे ही आपको लिखना है डॉक टाइप, जैसे आपने अब तक HTML की फाइल्स को लिखा है। फिर क्या करते हैं हम, HTML, क्लियर, HTML स्टार्ट। HTML के बाद हमारा कौन सा टैग आता है, हेड टैग, क्लियर। और हेड टैग में हम क्या लिखते हैं, टाइटल टैग, याद आया, टाइटल टैग, इसमें टैग वर्ड नहीं लिखना, मीन्स टाइटल, टाइटल आ गया। और चलिए इसका टाइटल देते हैं, इसका टाइटल दे देते हैं, क्योंकि हमारा CSS का है, तो मैं लिख देती हूँ माई फर्स्ट वेब पेज विद CSS स्टाइल, राइट। अब ये फर्स्ट पेज हो गया, और टाइटल को मैंने कर दिया क्लोज, टाइटल क्लोज। टाइटल के बाद हम क्या लिखते थे, बॉडी, राइट, क्योंकि हम जो हेडिंग है या पैराग्राफ है वो किसके अंदर करते थे, बॉडी के अंदर। बॉडी में चलिए मैं एक हेडिंग ले लेती हूँ, राइट। मेरे हेडिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, H1 से, और हेडिंग है तो भाई हेडिंग का कुछ नाम भी आना चाहिए। चल ये कौन सा प्रैक्टिकल कर रहे हैं हम, इनलाइन, तो मैंने इसका नाम रख दिया, दिस इज द वेब पेज विद इनलाइन राइट CSS स्टाइल, CSS, तो ये मेरा, और हेडिंग को मैंने कर दिया क्लोज, H1 है तो इसको मैंने क्लोज कर दिया। और जैसा आपको पता है ऑलरेडी, फिर उसके बाद आप क्या क्लोज करते हैं, बॉडी, राइट, देन क्या क्लोज करते हैं आप बॉडी के बाद, अपना हेड, और फिर क्या क्लोज करते हैं, हेड ना भी क्लोज करो, देखिए तब भी वर्क करेंगे। फिर मैंने क्लोज कर दिया HTML, राइट, हेड, वैसे जो टाइटल है, टाइटल के बाद आपका हेड जो है वो क्लोज हो जाना चाहिए, क्लियर।
और मैं इसको कर देती हूँ फाइल के अंदर, मैंने इसको कर दिया फाइल सेव। अब इस फाइल को मैं क्या नाम दूँगी, ये फाइल है क्योंकि इसका नाम CSS यूज़ कर लेते हैं, तो मैं इसका नाम दे दिया मैंने इनलाइन, इनलाइन CSS। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ही नाम देना, 1 2 3 4 जो मर्जी दे दीजिए। और .html तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ये बन गई मेरी CSS फाइल, आप देखते हैं कहाँ सेव हुई है। मेरे पास एक HTML नाम का फोल्डर था, ये आ गया देखिए इसमें इनलाइन CSS। दिस इज़ द वेब पेज विद इन लाइन से। अब इस पर कोई कास्केडिंग स्टाइल नहीं है, तो सबसे पहले हम सीखते हैं आज कि इन लाइन स्टाइल क्या होता है। इन लाइन मैंने पहले ही बोला था, इन लाइन पर्टिकुलर एलिमेंट पर आप लगाते हैं। अब ये पैराग्राफ है, मुझे इस पैराग्राफ पर वो स्टाइल अप्लाई करना है, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। टैग क्या होता है, लिखने का तरीका क्या होता है, स्टाइल देखिए लिखने का तरीका क्या है। लिखने का तरीका ये है, आपने लिखना है स्टाइल, आपने टाइप करना है स्टाइल, क्या स्टाइल आप यूज़ करना चाहते हैं। सॉरी इंटरनल नहीं है, इन लाइन हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे ये है, मैंने लिखा पैराग्राफ स्टाइल पी, यहाँ पैराग्राफ पर है, मैं हेडिंग पर लगा कर दिखा रही हूँ, तो मैंने इसलिए वहाँ H1 लिखा है। स्टाइल इज इक्वल टू टेक्स्ट अलाइनमेंट इज इक्वल कॉलन सेंटर, सेमी कॉलन से उसको ब्रेक कर दिया कि एक कमांड पूरी हो गई। दूसरा क्या मैंने बोला है कि जो फॉन्ट वेट है वो बोल्ड होना चाहिए, सेमी कॉलन से फिर दूसरी कमांड पूरी होगी। कलर मैंने क्या दे दिया, येलो, सेमी कॉलन थर्ड कमांड, और उसके बाद इसको अपने ब्रेसेस को क्लोज कर दिया। तो चलिए यूज़ करते हैं। मैंने वर्ड लिखा स्टाइल, स्टाइल इज इक्वल टू क्या स्टाइल लेना है, राइट स्टाइल मेरा स्टार्ट हुआ है, मुझे लेना है टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट हाइफन अलाइन, ALIGN अलाइन, आपको स्पेलिंग याद रखने हैं। कैसा होना चाहिए मेरे इसका सेंटर, CENTER सेंटर, चलिए। और हम किससे एक कमांड कंप्लीट हो गई कैसे पता चलता है, सेमी कॉलन, क्लियर। सेमी कॉलन के बाद आता है आपका फॉन्ट, जो सॉरी जो फॉन्ट है, फॉन्ट का जो वेट है वो कैसा आना चाहिए। मान लीजिए मैं बोलती हूँ वो होना चाहिए थोड़ा सा बोल्ड, उसके बाद, और बोल्ड के लिए एक मिस्टेक हो गई, बोल्ड हाइफन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा सेमी कॉलन, कमांड के बाद सेमी कॉलन होता है ना, उस सॉरी कॉलन्स आ गए, और ये कमांड पूरी हो गई, तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया सेमी कॉलन से। अब मुझे चाहिए कलर, कलर के बाद फिर सेमी कॉलन, कलर कौन सा होना चाहिए, येलो, राइट। उसके बाद इस कमांड कंप्लीट और इसके ब्रेसेस क्लोज, क्लियर है। तो आप इस को जो बॉडी का जो स्टाइल है, स्टाइल कमांड को आप इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। अब चेक करके देखते हैं क्या ये इम्प्लीमेंट होता है। सेव, आपका जो फाइल है वो कहाँ पर है, ये रही। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, आ गया। मैंने क्या बोला था कि मेरा जो टेक्स्ट है, पर्टिकुलर टेक्स्ट है, वो जो है वेब पेज मैंने जो लिखा था वो CSS वाला, वो एक तो येलो कलर का हो जाए, दूसरा जो है वो सेंटर में चला जाए, और ये थोड़ा सा बोल्ड है क्योंकि येलो में है, इसलिए आपको क्लियर नहीं हो रहा है, ये थोड़ा सा बोल्ड है पहले से, क्लियर। तो ये था इनलाइन। इनलाइन का मतलब आपने पर्टिकुलर स्टाइल किसी भी जगह यूज़ कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये स्टाइल मान लीजिए बॉडी है, बॉडी में आप पैराग्राफ भी तो लिखते हैं। अब मान लीजिए पैराग्राफ कैसे टैग से लिखते हैं आप, पी से, क्लियर। जैसे मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है, एक पैराग्राफ के स्टाइल से लिखते हैं पी से। मान लीजिए मेरे पास एक पैराग्राफ भी है और वो पी से स्टार्ट होता है, उसमें मैं स्टाइल लगा देती हूँ। देखिए पैराग्राफ में भी लगा कर दिखा देती हूँ स्टाइल। इसमें देती हूँ मैं टेक्स्ट, इसी को कॉपी कर लेती हूँ यहाँ पर, टाइम थोड़ा बच जाएगा, ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी, और ये कॉपी करके मेरा यहाँ पर आ गया कंट्रोल वी। अब टेक्स्ट अलाइनमेंट इसका सेंटर था, लेकिन जो मैं पैराग्राफ है, मेरे पैराग्राफ का जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो मैं लेना चाहती हूँ राइट, क्लियर। जो फॉन्ट वेट है वो बोल्ड है, मैं इसको करना चाहती हूँ इटैलिक, राइट। और जो येलो कलर है वो मैं येलो की जगह मुझे लेना है, मेरे पैराग्राफ होना चाहिए रेड कलर का। और दिस इज़ द पैराग्राफ, क्योंकि पैराग्राफ है तो हेडिंग तो क्लोज नहीं होगा, क्या क्लोज होगा, पैराग्राफ। और यहाँ एक पैराग्राफ लिख लेते अच्छा सा, सो
एक पैराग्राफ ले लेते हैं, टुडे वी विल लर्न अ न्यू कंसेप्ट इन HTML, राइट। तो ये पैराग्राफ हो गया। अब पैराग्राफ को हम सेव करके देखते हैं कि पैराग्राफ सेव होता है या नहीं होता है। आपने फाइल में गए, फाइल में आपने इसको कर दिया सेव। अब हम चेक करते हैं अपने वेबसाइट, इसको करते हैं रिफ्रेश, आ गया। उसमें मैंने क्या दिया था, दिस इज़ द वेब पेज विद द इनलाइन CSS, टुडे वी लर्न इन ए न्यू कंसेप्ट इन HTML। तो मैंने इसको बोला था आपको राइट हैंड साइड जाना है। आप देखते हैं ये इसमें थोड़ा सा जो इसका फॉन्ट वेट है, इसको मैं कर देती हूँ। अब देखते हैं क्या बोल्ड वाकई होता है, BOLD बोल्ड, थोड़ा सा बड़ा करने के लिए। फाइल को मैंने कर दिया सेव, फाइल आ गई अब सेव। और उसके बाद फिर अगेन हम जाते हैं इस पर और इसको करते हैं रिफ्रेश। देखिए अब पहले से थोड़ा सा बोल्ड है, तो हो गया क्लियर। तो इनलाइन का मतलब देखिए, इनलाइन में आपने सीखा है कि इनलाइन जो CSS स्टाइल है वो पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर एलिमेंट, पैराग्राफ पर भी मैंने यहाँ पैराग्राफ पर लगाया है और यहाँ पर मैंने ये लगाया है अपने सॉरी यहाँ पर मैंने हेडिंग पर इसको यूज़ किया है और यहाँ पर मैंने इसको लगाया है पैराग्राफ में, क्लियर। अब दूसरा प्रैक्टिकल करते हैं इंटरनल। इंटरनल क्या होता है, इंटरनली मतलब ये मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है। अगर मेरे पास यहाँ हेडिंग वन है तो उसके लिए अलग से लिख रही हूँ, फिर हेडिंग टू है उसके लिए अलग से लिख रही हूँ, हेडिंग थ्री है इसके लिए अलग से कर रही हूँ, तो इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्या मेरे पास कोई ऐसा बेटर ऑप्शन नहीं है कि मैं हेडिंग जैसे पैराग्राफ है पूरे पैराग्राफ के लिए एक बार स्टाइल यूज़ कर लूँ और जितना भी मैं पैराग्राफ इसमें लिखती हूँ वो उस पर्टिकुलर पैराग्राफ पर वो इम्प्लीमेंट हो जाए, क्लियर। तो आप इसको इंटरनल भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो इन लाइन था, पर्टिकुलर आपने लाइन में इसको यूज़ किया है। तो अब देखते हैं कि आप अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको एक्सटर्नल नहीं, एक्सटर्नल तो वेब पेजेस में, इंटरनली इसको यूज़ करेंगे तो उसके लिए अब यहाँ से जो है इसको हम सिंपल कर देते हैं। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये रहा आपका हेड वन स्टाइल, इसको डिलीट करते हैं। अब इसी फाइल को हम करेंगे इंटरनल। मेरे पास एक हेडिंग है और मेरे पास है एक पैराग्राफ। अब मैंने हटा दिए, अब देखते हैं अगर मैं सारे स्टाइल्स हटा देती हूँ सेव, मेरा पेज कैसा बन जाता है। ये देखिए मेरे पेज में डिफरेंस आ गया। अब इसको करते हैं रिफ्रेश, तो करना पड़ेगा सिंपल। अब इस पेज में ना तो कोई स्टाइल है, राइट। अब ये है सिंपल। अब सीखते हैं हम इंटरनल। इंटरनल में क्या करते हैं, हम स्टाइल का जो टैग है उसको यहाँ डिफाइन करते हैं। ये हेड था आपका, राइट। हेड में जो है, हेड से नीचे आपने टाइटल क्लोज किया है ना, टाइटल क्लोज कर दिया, तो टाइटल से नीचे जो है एंटर प्रेस करके आइए और यहाँ पर हेडिंग लिखिए स्टाइल। क्या लिखना है आपने, स्टाइल, क्लियर। तो हेडिंग आपका आ गया स्टाइल। स्टाइल से नीचे क्या यूज़ हो रहा है आपका, ठीक है। अब ये स्टाइल है, अब स्टाइल मुझे कहाँ लगाना है, समझ रहे। तो इसका एक बार सिंटेक्स दिखा देती हूँ आपको। सिंटेक्स ये है, आपने जो स्टाइल है, अब इंटरनल स्टाइल पे आ जाते हैं। इंटरनल स्टाइल हेडिंग से नीचे आता है, टाइटल पे स्टाइल टाइप बताना है। स्टाइल मुझे ये जो ये वो पर्टिकुलर पोर्शन है, ये है बॉडी। मतलब अगर मैं ये पैराग्राफ पर बॉडी में, बॉडी पर लगाना चाहती हूँ तो मुझे यहाँ बॉडी लिखना पड़ेगा। अगर मैं पैराग्राफ पर लगाना चाहती हूँ तो मुझे यहाँ पर पी लिखना पड़ेगा। एंड इफ़ आई वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट ऑन द हेडिंग देन आई हैव टू राइट हेयर H1, क्लियर कंसेप्ट। तो आप जहाँ पर भी इंटरनल टैग को, स्टाइल को अप्लाई करना चाहते हैं, बॉडी पर, पैराग्राफ पर, हेडिंग पर, तो उसको आपको यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे, एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ये आ गया आपका स्टाइल। स्टाइल के बाद आपको लिखना होता है बॉडी। अब मान लीजिए मुझे बॉडी पर चाहिए, कहाँ पर चाहिए, बॉडी। तो बॉडी के लिए आपको टैग देना है बॉडी, राइट। बॉडी ये वाला, इस बॉडी की बात नहीं कर रही, ये डिफरेंट है। मुझे सिर्फ बताना है आपको कि टैग कहाँ चाहिए बॉडी पर। उसके बाद आपकी जो कर्ली ब्रेसेस हैं, ब्रैकेट्स जिनको बोलते हैं, वो स्टार्ट हो जाती हैं। इसके बीच में आपने लिखना है। अब इसका क्या करना है, मैं चाहती हूँ मेरा जो बॉडी है, जो उसका बैकग्राउंड है, बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है, राइट, बैकग्राउंड जो कलर है वो हो जाए ब्लू, राइट। और सेमी कलन से इसको मैनेज करें। और उसके बाद जो कलर है, कलर का मतलब यहाँ सिंपल कलर का मतलब हो गया आपका टेक्स्ट, आपके टेक्स्ट का कलर हो जाना चाहिए वाइट, क्लियर। चलिए
अब इसको देखते हैं कि क्या ये बॉडी कलर जो है वो हुआ ऐसा, बॉडी कलर उसका ब्लू और वाइट हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद इस स्टाइल को आपको क्लोज भी करना होता है, और स्टाइल कहाँ क्लोज होगा, स्टाइल क्लोज होगा यहाँ पर, ये हो गया आपका स्टाइल क्लोज। और स्टाइल क्लोज के है तो स्टाइल क्लोज करने के बाद स्टाइल किसके अंदर लिखते हैं हम, हेड के अंदर, तो अब आपको अपना हेड भी क्लोज करना है। राइट, मैंने लिखा है बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू होना चाहिए, और जो उसका कलर है और टेक्स्ट का कलर वो वाइट होना चाहिए। अपनी फाइल को आप कर देते हो सेव, एंड देन गो टू द वेब पेज पर जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। आ गया राइट। तो मैंने लिखा कहाँ पर है, मैंने इसको हेडिंग के अंदर लिखा है कि मेरा बॉडी का जो कलर है वो ऐसा होना चाहिए। क्लियर, देखिए बॉडी का कलर ऐसा हो गया, ब्लू होना चाहिए, और जो कलर है वो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट। अब एक काम करते हैं, जो हेडिंग दिया हुआ है क्या उसको हम नहीं लिख सकते स्टाइल में, मतलब हेडिंग को यहाँ लिखने की बजाय मैं यहाँ पर लिखती हूँ, तो यहाँ पर हेडिंग लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पर इसमें इससे नीचे आ जाते हैं। तो हेडिंग कौन सा था मेरा, H1। मैंने पहले ही बोला था जब हम लिखते हैं तो जैसे मैंने बॉडी लिखा, बॉडी का चेंज किया था तो स्टाइल के अंदर बॉडी में लिखा है, अब मैं हेडिंग का चेंज कर रही हूँ तो मुझे हेडिंग में लिखना है। क्लियर, और उसके बाद सेम वही कर्ली ब्रेसेस, जैसे कर्ली ब्रेसेस लेते हैं, अब मुझे रखना है बैकग्राउंड कलर रेड। कमांड यहीं से कॉपी कर लेती हूँ वरना मुझे फिर दोबारा से टाइप करना पड़ेगा और उसमें टाइम लग जाएगा, तो यहाँ से मैंने इसको कर लिया कंट्रोल सी कॉपी, और उसमें से इसी में से मैं चेंजेस कर दूँगी और कंट्रोल भी। राइट, लेकिन बैकग्राउंड कलर अभी ब्लू है, मुझे ब्लू की जगह चाहिए रेड, बैकग्राउंड कलर रेड आने चाहिए। ठीक है, जो हेडिंग है और उस पर जो है टेक्स्ट कलर वाइट है, ऑलरेडी वाइट है तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले से वाइट है बैकग्राउंड। चलिए आप इसको देखते हैं, सॉरी पहले फाइल को सेव करना होता है। सेव योर फाइल, आपने फाइल सेव कर दी, देन रिफ्रेश योर फाइल। अब फाइल को करते हैं रिफ्रेश। आ गया, हेडिंग का जो बैकग्राउंड था मैंने बोला उसको रेड कर दो और उसके ऊपर वाइट से लिखा होना चाहिए, तो वाइट से ऑलरेडी मैंने यहाँ से कमांड उठाई थी, वाइट से उस पर आ गया। तो ऐसे आप हेडिंग का भी कलर चेंज कर सकते हैं। चलिए पैराग्राफ का भी चेंज करके देख लेते हैं, ये तो पूरी बॉडी का कलर था ना ब्लू, अब इसको आपको यहाँ पर इसी के अंदर आपने लिखना है स्टाइल के अंदर। देखिए अब चलिए पैराग्राफ का भी दिखा देते हैं। अब पैराग्राफ पर आप क्या करना चाहते हो, पैराग्राफ है क्लियर। अब पैराग्राफ में मान लीजिए, पैराग्राफ में मैं लेती हूँ ये बॉडी कलर भी ले लेती हूँ और भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, फ़ॉन्ट टेक्स्ट वगैरह साइज़ वगैरह, ये कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ पर कंट्रोल वी से इसको मैंने कर दिया पेस्ट। अब यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर मैं ले रही हूँ वो ले रही हूँ बैकग्राउंड कलर, पता नहीं ब्लू पर बैकग्राउंड ग्रीन कैसा लगेगा, चलो ले लेते हैं फिर भी येलो कर लेते हैं। फिर कहोगे मैम को येलो कलर बहुत पसंद, हर जगह येलो ले लेती है, ठीक है येलो कलर ले ली, येलो पर वाइट तो अच्छा नहीं लगता, तो इस टैग को मैं हटा देती हूँ। वैसे टैग ऊपर वैसे मैंने डिफाइन किया है कि टैग वाइट ही आएगा, इसको ना भी लिखे तो फर्क नहीं पड़ता। क्लियर, ये हो गया येलो। अब मैं चाहती हूँ इसकी जो फॉन्ट फैमिली है वो कर्सिव आए, तो आपको यहाँ का लिखना पड़ेगा फॉन्ट फैमिली, लिखते हैं ना फैमिली आ गई भाई, फॉन्ट फैमिली, फोल्ड फैमिली आ गई आपकी कर्से मंथ्स, मैं आपको न्यू टाइम्स न्यू रोमन ले सकते हो जो भी आपको लेना है, एंड एरियल ले सकते हो। अब फोन्ट का मैं चाहती हूँ साइज़ भी थोड़ा इंक्रीज हो जाए, फोन्ट साइज़, फोन्ट साइज़ मैं ले लेती हूँ फॉर एग्जांपल इसका कितने में डिफरेंस आएगा, मैं 150% ले लेती हूँ। आप इसको अलग अलग चेंज करके देखना कि 150% पर कितना आता है। उसके बाद सेमी कोलन से इसको कर दिया एंड स्टाइल ऑलरेडी क्लोज है, इसको सेव करके देखते हैं। फाइल सेव, सेव हो गई, नाउ रिफ्रेश योर फाइल, फाइल को अब करते हैं रिफ्रेश। देखिए आ गया ना, दिस इज द वेब पेज विद इन लाइन CSS। टुडे वी विल लर्न ए न्यू कंसेप्ट इन HTML। HTML में हम एक नया कंसेप्ट सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पर पर्टिकुलर, तो ऐसे आप वेबसाइट्स को डिज़ाइन करते हो आगे, तो यहाँ पर आपने बॉडी है, मैंने अगर मान लीजिए मैं स्टाइल में डिफाइन कर रही हूँ फाइल को, CSS हेडिंग में मैं CSS फाइल डिज़ाइन कर रही हूँ और वो CSS फाइल इंप्लीमेंट हो रही है इस पर पूरे पेज पर। राइट, मैंने पहले बोला कि बॉडी का बैकग्राउंड कलर ब्लू, तो
राइट। तो जो बॉडी है, बॉडी का बैकग्राउंड कलर ब्लू था, मैंने ब्लू कर दिया कलर वाइट से, तो ये पूरी बॉडी का। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, जो हमारा हेडिंग होता है वो हमारी जितने हेडिंग है वो बैकग्राउंड कलर ही आना चाहिए। चलिए एक पैराग्राफ और लिखते हैं, और इसमें एक पैराग्राफ में मैं हॉरिजॉन्टल दे देती हूँ, जिससे पता चल जाए कि पैराग्राफ अलग है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिखा है, एक और पैराग्राफ लिखा है पी, एंड मैंने लिखा दिस इज द सेकेंड पैराग्राफ, और इसको मैंने कर दिया पी को क्लोज। अब इसको कर देते हैं, सॉरी 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 सॉरी, कॉपी कर दिया, मैंने कॉपी नहीं करना, सेव करना है। फाइल में जाओ सेव। अब देखिए इसमें क्या होता है, आ गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जिससे पता चल जाए पहरा। अब ऐसा तो नहीं है, जब आप इनलाइन कर रहे थे, अगर मैं यहाँ 10 पैराग्राफ लिखती तो इनलाइन मुझे 10 बार टाइप करना पड़ता, तो बेटर वे होता है आप इनलाइन के बजाय क्या यूज़ करेंगे, इंटरनल। अब इंटरनल का पता चल गया, मैंने एक बार लिखा है कि पैराग्राफ पर मेरा जो पैराग्राफ आएगा, हाँ आपको इसको अलग से चेंज करना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि इसका बॉडी स्टाइल क्या है, बैकग्राउंड क्या है, वो अलग से इसको डिफाइन कर सकते हो, राइट। अब आपने आज इनलाइन कवर कर लिया, और ये जो था ये वाला था आपका इंटरनल कंसेप्ट, क्लियर। जो एक्सटर्नल वाला है उसमें एक अलग से फाइल बनती है, वो हम कल कर कवर करेंगे, पहले आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए इनलाइन की और इंटरनल की। मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, अब आप वीडियोस को बीच में नहीं ड्रॉप कर सकते। आप ऐसा नहीं है कि एक वीडियो आज आपने देख ली और दूसरी नहीं देखी, ये एक सिक्वेंस में चलेगा। इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम ए बेस्ट वेबसाइट डिज़ाइनर, इट्स कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टूडेंट टू वॉच दिस वीडियोस एंड अप्लाई द कंसेप्ट, अप्लाई द फॉर्मेटिंग। ये जो फॉर्मेटिंग हम लोग सिखा रहे हैं आपको, ये अप्लाई करनी है डेली। सो डू द प्रैक्टिस एंड मेक ए बेटर वेबसाइट। गुड लक।